हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस कर रहा हूं आपसे इस सीरीज का अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको यह दिया हुआ है कि एक ट्रेन है जो यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेवल कर रही है, ठीक, और वो ट्रेवल करती है 480 किलोमीटर और एक पर्टिकुलर टाइम पे पहुंचती है, ठीक है। अब अगर उसकी जो भी स्पीड है, जो भी यूनिफॉर्म स्पीड है उसकी, अगर वो थोड़ी कम हो जाए, कितनी कम हो जाए, 8 किलोमीटर पर आवर, अगर उसकी यूनिफॉर्म स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम हो जाए तो ऑब्वियसली वो पहुंचने में ज्यादा टाइम लेगी। कितना ज्यादा टाइम लेगी, इस क्वेश्चन में दिया गया है 3 घंटे। जी हां, अगर उसकी यूनिफॉर्म स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर से रिड्यूस हो जाए तो वो ट्रेन 3 आवर्स लेट पहुंचेगी। तो इस सिचुएशन में हमको यह बताना है कि इस ट्रेन की ओरिजिनल स्पीड क्या है। ये क्वेश्चन आपके सामने है, आप इसे देखिए। इसे मैं अब इरेज करने वाला हूं। हम ये मान लेते हैं कि इस ट्रेन की जो स्पीड है वो है x किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस हमको दी हुई है 480 किलोमीटर। अब यहां पे इस क्वेश्चन में जो सिचुएशंस है उसको मैं टेबुलर फॉर्म में, मतलब टेबल बना के एनालाइज करता हूं और उसके बाद हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे। तो देखिए, टेबल बनाता हूं। देखिए, आपके सामने एक टेबल है जिसमें मैं इस क्वेश्चन में जो सिचुएशंस है उनको दो केसेस पे कंसीडर करूंगा। पहला केस है केस वन, ओरिजिन केस, और दूसरा केस जब उसकी स्पीड रिड्यूस हो जाती है बाई 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले केस में इसकी जो स्पीड है हमने क्या अज्यूम की है, ओरिजिनल स्पीड x किलोमीटर पर आवर। तो केस वन में इसकी ट्रेन की ओरिजिनल स्पीड है x किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है, 480 किलोमीटर, ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो अब देखिए, डिस्टेंस है 480 किलोमीटर और स्पीड है x किलोमीटर पर आवर। जैसा कि हम जानते हैं, टाइम टेकन इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय स्पीड। तो ये रिलेशन यूज करते हुए मैं यहां पे लिखता हूं, टाइम कितना रहेगा, डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय स्पीड 480 बाय x आवर्स, ठीक है। अब ये चीजें हम केस टू में अप्लाई करते हैं। केस टू में क्या था, उसने बोला था कि जो स्पीड है वो 8 किलोमीटर पर आवर से रिड्यूस हो जाती है। तो मैं लिखता हूं यहां पे स्पीड है x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस तो देखिए वही है 480 किलोमीटर, और इसी रिलेशन के हिसाब से मैं लिख सकता हूं टाइम कितना रहेगा, 480 डिवाइडेड बाय x माइनस 8 आवर्स। तो पहले केस में टाइम लगा था 480 डिवाइडेड बाय x आवर्स, और दूसरे केस में टाइम है 480 डिवाइडेड बाय x माइनस 8 आवर्स। अब जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो बाद में जो टाइम लगता है, केस टू में जो टाइम लगता है वो केस वन में जो टाइम है उससे 3 घंटे ज्यादा है। तो कहने का मतलब है ये 480 अपॉन x माइनस 8 इज ग्रेटर देन 480 बाय x बाय 3 आवर्स। इसको मैं यहां पे लिखता हूं। जी हां, 480 अपॉन x माइनस 8 इज ग्रेटर देन 480 बाय x बाय 3 आवर्स। इसको अगर मैथमेटिकल फॉर्म में लिखूं तो ये बन जाएगा, देखिए ये केस टू का टाइम है और ये केस वन का टाइम है, और इन दोनों के टाइम का डिफरेंस कितना है, 3 आवर्स, ठीक। इसे फर्दर सॉल्व करते हैं। इस टेबल को मैं इरेज करता हूं, आप इसे नोट कर लीजिएगा। यह सिचुएशन हमारे सामने थी, इसे फर्दर सॉल्व करते हैं। यहां से 480 कॉमन लेते हैं, अंदर रह जाएगा 1 अपॉन x माइनस 8 माइनस 1 बाय x इज इक्वल टू 3। और सॉल्व करेंगे, 480 इक्वल टू 3। आगे फर्दर सॉल्व करते हैं, हमें मिलेगा -x और +x कैंसिल्ड, ये आपको मिला 480 मल्टीप्लाइड बाय 8 होल डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे,
आपने देखा होगा मैंने अभी तक 480 और 8 को मल्टीप्लाई नहीं किया. क्यों नहीं किया? क्योंकि मुझे पता है जो 3 है वो इसका फैक्टर है 480 का, तो 3 कैंसिल हो सकता है. देखिए कैसे, अगर मैं 3 को इस तरफ लाऊं, ये जो यहां पे मल्टीप्लीकेशन में है ये डिविजन में आ जाएगा, ये बनेगा कैंसिल हुआ 3 1 3 फिर 8 160 मल्टीप्लाई बाई 8. इसको सॉल्व करते हैं तो हमें एक इक्वेशन मिलती है एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 1280. तो ये हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली है और अब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, उसे सॉल्व करेंगे. देखिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए मैं क्या करूंगा, इसे इसकी जनरल फॉर्म से कंपेयर करूंगा. इसकी जनरल फॉर्म होती है ई एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जिसमें ए कौन है, एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट है, बी इसमें एक्स का कोफिशियंट है और सी एक कांस्टेंट नंबर है. ठीक है, तो अगर इन दोनों इक्वेशंस को मैं कंपेयर करूं तो मैं कह सकता हूं कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहां पे क्या है 1, कोफिशियंट ऑफ एक्स यहां पर है -8 और कॉन्स्टेंट टर्म है -1280. ठीक, अब यहां पर मैं इस इक्वेशन को चूंकि क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करना चाहता हूं तो मैं इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करूंगा. चलिए डिस्क्रिमिनेंट कैसे फाइंड करते हैं. डिस्क्रिमिनेंट बी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac. तो यहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, बी की वैल्यू है -8 स्क्वायर माइनस 4, ए और सी कौन है -1280. इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 64 प्लस 5184. देखिए जैसा कि मैंने कहा डी की वैल्यू है 5184. अब मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करता हूं. क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या बोलता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलता है एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ डी डिवाइडेड बाय 2a एंड माइनस बी माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ डी डिवाइडेड बाय 2a. जी हाँ, x की दो वैल्यूज है, x की इस इक्वेशन के दो रूट्स है. पहला रूट, पहली वैल्यू है माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ डी डिवाइडेड बाय 2 है, दूसरा रूट है माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी डिवाइडेड बाय 2 है. इसे कंबाइन फॉर्म में ऐसे लिखा जा सकता है माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी डिवाइडेड बाय 2a. यहां पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं माइनस बी, माइनस बी की वैल्यू, देखिए बी की वैल्यू थी -8 तो माइनस बी हो जाएगा -8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5184 डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ ए. देखिए 5184 का जो स्क्वायर है, स्क्वायर रूट है, वो होता है 72. ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस 8 प्लस माइनस 72 होल डिवाइडेड बाय 2. इसको इस तरह से लिखा जा सकता है x की दो वैल्यूज है 8 प्लस 72 डिवाइडेड बाय 2 और 8 माइनस 72 डिवाइडेड बाय 2. देखिए ये वैल्यू तो रिजेक्ट हो जाएगी क्योंकि ये नेगेटिव है. हम जानते हैं कि जो ट्रेन की स्पीड है जो कि है x, x कौन है ट्रेन की स्पीड, वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकती. तो ये वैल्यू फिर भी एक्सेप्टेबल है. तो x की वैल्यू बनी 8 प्लस 72 80 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 40. इसका मतलब ये जो ट्रेन की यूनिफॉर्म स्पीड है वो है 40 किलोमीटर पर आवर. ठीक.